गए हैं, 300 लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए गए हैं, बिजली के 4 बड़े टावर भी गिर गए हैं, एनआर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामबन 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा पानी का सबब है क्योंकि घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, अभी क्या हालात है? देखिए बिल्कुल आपने सही, इलाका है जो इसकी जद में है और 50 से ज्यादा घर हैं जिनको वहां से इवैक्यूएट किया गया है और सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। जो स्थानीय प्रशासन है वो लगाता है कि एक नेचुरल क्लाइमिटी है, इससे निपटना इतना आसान नहीं होगा, मगर एहतियातन लोगों को वहां से निकाला गया है, इलाका है। और इस इलाके में जो इस सड़क पे, इस जमीन पर जो हाई टेंशन वायर्स होती हैं, जो ट्रांसमिशन वायर्स है इलेक्ट्रिसिटी की, काफी चिंता का माहौल है। मगर लोग जो हैं वो काफी इस चीज से परेशान हैं क्योंकि उनके आशियाने उजड़ गए हैं, जो अपनी मेहनत से उन्होंने बनाया था वो सब उजड़ गया है। ऐसे में कैसे इन घरों को बताया जाए, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, पूरा हिली इलाका है और पूरे इलाके में आपको बता दूं कि बड़े बड़े पहाड़ हैं और ये पहला वाकया नहीं है जब इस तरह से यहाँ पर जमीन खिसकने का वाकया सामने आया हो। दरअसल सामने आया था, मगर जिस जगह पे अभी ये हो रहा है वहां अगर बात करें तो वहां पर आसपास हालांकि कोई बड़ा हाईवे नहीं बन रहा है, मगर जमीन खिसक रही है। प्रशासन का कहना है कि ये एक नेचुरल क्लाइमेटी के वजह से है क्योंकि नीचे बिल्कुल कारण कई हो सकते हैं, लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि कैसे यहाँ लोगों को सुरक्षित रखना है और उन्हें खाने पीने की जो जरूरी चीजें हैं वो उपलब्ध करानी है। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।